हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ गुजरात मीडिया पीट के बारे में। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर एसन। आपको उसमें टाइप करना है गुजरात विद्यापीठ 2023 एस पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ से आपको गुजरात विद्यापीठ से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पर दिया गया जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है PG कोर्सेज के लिए। देन यहाँ पे डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस इट्स आर्टिकल्स में दिया गया इसके बारे में। एंड देन यहाँ पर जो है 20 मार्च को इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका था एंड ये फाउंड हुआ था 1920 में। देन यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है। देन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। एंड देन यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपको उसको रीड करना है। देन यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, देन आपको साइन इन पे क्लिक करना होता है। बट अगर आप न्यू हो तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपको उसको रीड करना है। एंड देन यहाँ पे आपको आई हैव डाउनलोडेड पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसेस पे आप क्लिक करेंगे देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड देन आपको जो है प्रेजेंट एड्रेस डालना, जिसमें आपको प्रीमाइसिस नंबर, सब लोकेलिटी, लोकेलिटी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, देन मोबाइल नंबर डालना है आपको। देन कन्फर्म करना है मोबाइल नंबर एंड देन आपको जो है अपना अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना है। देन यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड क्रिएट करना है 8 to 13 कैरेक्टर्स के अंडर एंड देन आपको जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है एंड देन आपको उसे आंसर फिल करना है। देन आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो इस तरह से आपको अपना सारे प्रोसेस कम्प्लीट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपको डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। So thank you so much for watching my video. Thank you.